हेलो बच्चों, कल हमने जाना था कि धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह कैसे होता है। धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह कैसे होता है और उसके साथ कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले अपवादेक का व्यंजक। तो जो डेफिनेशंस मैंने पढ़ा बताई थी कल, उसमें एक तो विश्रांति काल कहा था कि दो क्रमागत टक्करों के बीच जब धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन गति करता है तो टक्कर भी करता है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। और जितने भी विश्रांति काल है उन सबका माध्य ले लें या औसत ले लें तो उसको बोले माध्य विश्रांति काल। तो से रिप्रेजेंट करते थे आप इसे, तो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर कह रहे थे आप कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है और टक्कर करता है तो दो क्रमागत टक्करों के बीच विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का पथ सीधी रेखा होता है और उसे कहते हैं आप मुक्त पथ। और जितने भी मुक्त पथ हैं उन सबका माध्य ले लिया जाए, औसत ले लिया जाए, औसत लेंगे तो बोलेंगे उसको माध्य मुक्त पथ, वो माध्य मुक्त पथ होगा, ठीक है। और माध्य मुक्त पथ का मान 10^-9 मीटर की कोटि का होता है, 10^-9 मीटर की कोटि का होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अपवावेग की परिभाषा, तो आपने कहा था विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उन सबका औसत निकालो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवावेग कहलाता है। और अपवावेग का मान 10^-4 मीटर की कोटि का बताया था मैंने आपको, 10^-4 मीटर की कोटि का होता है। फिर मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको कि अपवावेग का मान बहुत कम होता है 10^-4 मीटर पर सेकेंड, और उष्मीय वेग का मान बहुत ज्यादा 10^-5 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा होता है। फिर भी विद्युत धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह अपवावेग के कारण होता है, उष्मीय वेग के कारण नहीं, क्यों, रीजन। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी जानेंगे, तो आंसर होता है बताएंगे कि अपवावेग के कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, लगातार सीधे चलते रहते हैं, टकराते हैं सीधे चलते हैं, टकराते हैं सीधे चलते हैं, तो इसलिए धारा प्रवाह में योगदान देते हैं, दिशा निश्चित होती है। और जबकि उष्मीय वेग के कारण, उष्मीय वेग के कारण वो इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे थे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, तो जब परिणामी निकालते हैं उसका औसत निकालते हैं तो औसत उष्मीय वेग तो जीरो आता है, तो जीरो आता है, इसलिए कोई धारा का चालन या कोई आवेश का प्रवाह नहीं होता है। तो उष्मीय वेग अधिक होने के कारण भी आवेश का प्रवाह नहीं हुआ, और अपवावेग का मान कम होने पर भी आवेश का प्रवाह हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात थी, अब हम जानने वाले हैं अपवावेग का व्यंजक, कि अपवावेग का व्यंजक कैसे व्युत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है। तो देखें अपवावेग का व्यंजक, इसका व्यंजक हम जानेंगे, इसका सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, ओके। मैंने ये मान लिया कि ये चालक है एक्स वाई, नाम दे लो लंबाई एल, अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल ए, ये अनुप्रस्थ काल का क्षेत्रफल, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहते हैं, तो उसको मान लिया मैंने स्मॉल एन, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कह सकते हो आप इसे, ये स्मॉल एन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कोई भी कहीं भी इरेगुलर मूव करते हैं, यादृच्छिक, ये चला गया ऐसे टकरा करके, लगातार दिशा बदलती जाती है इनकी, ऐसे चलते हैं नहीं, तो यादृच्छिक गति कर रहे हैं, कोई भी कहीं भी कैसे भी चले जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहां पर सपोज कर लिया कि माना
एक्स वाई चालक की लंबाई एल तथा उपज का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और चालक की एकांक आयतन में मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। ठीक है, याद रखिए, प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आप देखेंगे इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय वेग, तो ऊष्मीय वेग मैंने मान लिया, माना मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय वेग क्रमशः U1 वेक्टर, U2 वेक्टर, U3 वेक्टर, अपेंड्स ऑन UN वेक्टर, ओके हैं। तो औसत ऊष्मीय वेग, औसत मान निकालना है, औसत ऊष्मीय वेग, ये औसत का सिंबल हो गया, औसत निकालना है, इज इक्वल टू, सबको जोड़ दो, ऐसे डिवाइड कर दो, या अपॉन एन, ओके ये औसत निकालने का तरीका हो गया। तो कल ही बताया था मैंने कि इसका मान शून्य होता है, कितना होता है शून्य, औसत उसमें वेग जीरो होता है, तो यहां पे ये औसत उसमें वेग जीरो आ गया। ठीक है, याद है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब चालक की सुरंग पर विभवांतर आरोपण करते हैं, क्या आरोप किया, विभवांतर, तो यहां पे जब मैं विभवांतर आरोपण करूंगा चालक यही वाला है एक्स वाई, अब मैंने विभवांतर आरोपण कर दिया एक्स वाई लंबाई एल, तो विभवांतर में ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये विभवांतर आरोपण किया, तो विभवांतर आरोपित करने पर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ, बताइए मैंने आपको प्लस से माइनस की तरफ, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो इसकी कारण से जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब की सब एक निश्चित दिशा में गति करेंगे, यहां पर अब इलेक्ट्रॉनों की दिशा ये बनाओ गया, ये दिशा बनाओगे विद्युत क्षेत्र के विपरीत, और जो उनका औसत वेग होगा उसी को बोलेंगे अपवा वेग, वही हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां पर जब मैंने विभवांतर आरोपित किया तो आप यहां कहेंगे चालक की सिरों पर वी विभवांतर आरोपित करने पर उसके अंदर यानी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू वी अपॉन एल उत्पन्न हो जाता है, ये याद रखना है हमें, उत्पन्न हो जाता है ठीक है, जिसके कारण चालक के मुख्य इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसके कारण चालक की मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, विपरीत की जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिणामी है, ओके यहां पर तो ये हो गया, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल विद्युत बल निकालना है, तो आप कहेंगे एफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, माइनस क्यों लगाया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत ऋणावेश, इसलिए तो यहां पर इसको नंबर ले लिया मैंने टू। ठीक है, परंतु न्यूटन का दूसरा नियम भी आपने पढ़ा हुआ है, न्यूटन की द्वितीय नियम से क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है,
ये एफ और ये एफ जब इक्वेट करूंगा तो यहां से हमारे पास ए का मान आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, तब एम ए वेक्टर इज इक्वल माइनस ई वेक्टर। ओके, तो क्या लिखें, या ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर अपॉन एम। ये याद रखने में पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो त्वरित होगी, ए त्वरण है, ए क्या है त्वरण, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ए इलेक्ट्रॉन का त्वरण, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होगी, त्वरित, त्वरित कितना त्वरण होगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में त्वरित गति होगी। अब जब यह त्वरित गति होगी तो फिर वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो टकराएंगे, तो टक्कर से ठीक पहले का वेग कितना होगा वो निकालना है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो देखें जरा यहां पर देखिए आप, इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होगी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने लगता है, तब टक्कर से ठीक पूर्व पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, भाई टक्कर हो जाएगी तो टक्कर की बात तो जीरो हो जाएगा, तो टक्कर से ठीक पहले का वेग हमें निकालना है। तो आप कहेंगे v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a tau1, सदिश रूप में लिखूंगा तो यह आएगा tau विश्रांति काल, क्रमांक टक्कर के बीच लगने वाला समय, तो यहां पे tau विश्रांति काल समय अदिश राशि है, तीर राशि नहीं लगाएंगे, तो यहां पर आ गया आपके पास पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो यहां कहेंगे इसी प्रकार v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a डॉट टू, v3 u3 प्लस a डॉट थ्री अक्रेंस ऑन, vn un प्लस a टॉइन। या आपके पास वेग आ गए इलेक्ट्रॉनों की, एन इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, एन की वेग निकाल ली। मैंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन की वेग है इनका औसत मान ही क्या कहलाता है, अपवा वेग। तो जो वेग मैंने निकाले इन सबका औसत निकालूंगा तो अपवा वेग आ जाएगा, तो क्या कहूंगा, अदर अपवा वेग, तो अपवा वेग लिखते अदर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, बोलो vd वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अपरेंट्स ऑन vn अपॉन n, औसत निकाला तो क्या करें, मान लगा था सबके, तो आप कहेंगे यार vd इज इक्वल टू v1 की वैल्यू u1 प्लस a tau1 प्लस u2 v2 की वैल्यू u2 प्लस a tau2 प्लस u3 a tau3 प्लस अपरेंट्स ऑन un और a tau n। ओके, और अपॉन में n, क्लियर हो गया। ये जो u वाला टर्म है इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लो और ए को मन लेकर के टॉप में चेक कर दो, क्या आएगा, आप vd इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस अपॉन ऑन यू एन अपॉन में एन प्लस, अब ए वाले क्या ले लूंगा, ए को कॉमन ले लिया, टॉ वन टॉ टू टॉ थ्री और टॉ एन अपॉन में एन, क्लियर। तो ये माध्य विश्रांति काल बन गया और ये माध्य उष्ण वेग बन गया, और माध्य उष्ण वेग का मान समीकरण नंबर 1 पर निकाला हुआ है,
कितना था? जीरो। तो इसके लिए मैं जीरो लगाऊंगा। अब ये क्या VD वेक्टर इज इक्वल टू जीरो प्लस, ये पूरा जीरो हो गया। तो ए, और इसको कहूंगा टॉप। टॉप को मैंने माध्य दृष्टांत दिया, जहां टॉप आप भी लिख सकते हैं, टॉप बराबर टॉप वन प्लस टॉप टू प्लस टॉप थ्री प्लस टॉप n अपॉन n। माध्य विश्रांति काल है, माध्य विश्रांति काल है। ओके, या क्या? अब हमारे पास जो रिलेशन आया, यहां पर समीकरण तीन में मैंने ए का मान निकाला हुआ है, तो ए का मान लगा दो समीकरण तीन से, क्या आएगा? आप देंगे यहां पे या VD इज इक्वल टू ए टॉप, या VD इज इक्वल टू ए की वैल्यू माइनस ई अपॉन एन, और ये टॉप माइनस से पर क्या पड़ता है? अपवाह रेखा का मान विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। अपवाह रेखा की जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र के विपरीत, इस बात को शो करता है ये माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया अपवाह वेग का, याद रखने कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए मोल फॉर्म में लिखे इसको, तो आप ये लिख सकते हैं या VD परिमाण में लिख रहा हूं तो माइनस डायल कर दूंगा ई टॉप अपॉन एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। और व्यापक रूप में लिखे, व्यापक रूप में, व्यापक रूप का मतलब इलेक्ट्रॉन की बजाय कोई भी आवेश हो तो, फिर उस कंडीशन में क्या लिखोगे? तो VD इज इक्वल टू क्यू ई टॉप अपॉन एन, जो भी आवेश होगा लगा देंगे, हो जाएगा आंसर। याद है, तो यहां पर ये हमारे पास आ गया अपवाह वेग का व्यंजक, ये अपवाह वेग का व्यंजक सदिश रूप में, और ये परिमाण है इसका, और यहां पर ये व्यापक रूप में कोई भी आवेश के लिए, कोई भी आवेश हो तो उसके लिए। तो याद रखो, मेरे ख्याल से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद कभी कभी ना ये रिलेशन पूछ लेता है अपवाह वेग का व्यंजक, तो कोई आ गया कहता है जब अपवाह वेग का विद्युत क्षेत्र का रिलेशन, तो ये लिखना है। और अगर ये कह दे कि अपवाह वेग का विभवांतर के साथ संबंध बताइए, विभवांतर के साथ, तो विभवांतर के साथ ई का मान लगाना बस। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर लिख दे रहा हूं अपवाह वेग का विभवांतर के साथ संबंध, तो आप इस रिलेशन को लिखें, क्या आएगा? VD इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन डी लिख लो टॉ अपॉन एम, परंतु ई इज इक्वल टू लिखा था आपने वी अपॉन एम, तो यहां मान लगा दो, तो VD इज इक्वल टू क्या आएगा? ई टॉ अपॉन एम एल इंटू वी, वी अपॉन एम लिख दिया में। ओके, तो ये रिलेशन किसके साथ आ गया? अपवाह वेग का विभवांतर के साथ रिलेशन आ गया, अपवाह वेग का विभवांतर के साथ। अगर कहता है तो फिर आपको यहां तक ये आंसर देना है। ठीक है, अगर व्यापक रूप में लिखना होगा तो क्यू टॉप ऑन एम एल टू बी, तब यह आता आपके पास। क्लियर, तो यहां पर ये होगा हमारे पास आज यहां पर अपवाह वेग का व्यंजक। क्या अपवाह वेग क्या होता है, इसका सूत्र कैसे व्युत्पन्न करेंगे, कैसे निकालेंगे, और इसका मान किस कितना होता है, किस कोटि में होता है, तो कल बताया था 10^-4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये यहां पर अपवाह वेग का व्यंजक कैसे निकालना है आपको अपवाह वेग। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।